अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दिया था, जो कि है लोरियल पेरिस प्योर क्ले ग्लो स्क्रब। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये रिकमेंड करते हैं अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप इनका लोरियल पेरिस प्योर क्ले ग्लो मास्क भी साथ में यूज कीजिए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट के लिए मेरी तरफ से है थम्स अप और मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आइए अब हम इस मास्क के बारे में बात करते हैं। ये है प्योर क्ले ग्लो मास्क। ये छोटी सी डब्बी से इसके अंदर से निकलती है और जनाब ये लोग कहते हैं कि ये 10 एप्लीकेशंस इससे हो सकती है, यानी कि आप 10 टाइम्स यूज कर सकते हैं इसको अपने फेस पर। यूज कब कब करना है, आप 2 to 3 टाइम्स अ वीक इसको यूज कर सकते हैं। करता ये क्या है, ये भी आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एक्सफोलिएट करता है। स्क्रब के बारे में भी मैं ये बात करूंगी कि ये भी ब्राइट करता है, एक्सफोलिएट करता है। इसके अंदर कुछ पार्टिकल से आपको महसूस होंगे, वो जब आप सर्कुलर मोशंस में अपने फेस पर उसको रब करते हो तो वो आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है। इसी तरह के कुछ पार्टिकल से आपको इसमें भी मिलेंगे और ये भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, ब्राइट भी करता है। है क्या, किस चीज से मिलकर बना है, सेम 3 प्योर क्लेज और अनड्राइड एल्गी। कहते क्या है कि इसको यूज किस तरह से करना है, कि आपने एक थिन लेयर से लगा लेनी है अपने क्लीन ड्राई स्किन पर और 2 to 3 टाइम्स अ वीक आपने इसको यूज करना है। फिर आपने 5 to 10 मिनट्स ड्राई होने के लिए छोड़ना है और फिर वेट टॉवल या वार्म वाटर से आप इसको धो सकते हैं। फेस पे लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको महसूस होगा, पिंक पिंक सा, और ये एरियाज उन्होंने शो किए हुए जिन पर आपने नहीं लगाना है। ओके, ये आपका ब्राइटनिंग एक्सफोलिएटिंग मास्क है। ओके जी, ये मैंने लिया था बूट से, ये भी बूट से लिया था और ये भी मैंने बूट से लिया था। ये जो मास्क है ये मुझे मिला था 799 का, ये मैंने बूट से 799 का लिया था। आप ऑनलाइन भी बूट्स की वेबसाइट से मंगवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्राइस 799 का ये है। और मैं इसको 2 to 3 टाइम्स अ वीक यूज कर रही हूँ, समटाइम्स 2 टाइम्स अ वीक, कभी 3 टाइम्स अ वीक, इस तरह से मैं इसको यूज कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इस प्रोडक्ट के लिए भी मेरी तरफ से थम्स अप है और ये वाकई ही मेरी स्किन को क्लींस भी करता है, ब्राइट भी करता है, एक्सफोलिएट भी करता है। मैं इन दोनों प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं आप लोगों को लाजमी रिकमेंड करूंगी। और ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी स्किन के लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और अगर आप 2 टाइम्स अ वीक यूज करते हो तो 5 to 6 वीक्स आपका ये जो पॉट है ये आराम से चलता है। तो प्राइस वाइज ये प्रोडक्ट भी आपको बहुत रीजनेबल दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट भी बहुत रीजनेबल है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। अगर आप रिजल्ट्स वाइज देखें तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। और लॉरियल पेरिस आपको पता ही है इस कंपनी का, इसके सारे ही प्रोडक्ट्स एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इनका कोई फेस प्रोडक्ट यूज किया। हेयर प्रोडक्ट्स यानी कि शैम्पू कंडीशनर वगैरह तो मैं यूज करती रही हूँ, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में उसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू दूंगी, लेकिन फिलहाल हम इस स्किन केयर प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं इससे बहुत 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 ज्यादा हैप्पी हूँ। मेरी स्किन को इसने बहुत ज्यादा स्मूथ किया है, बहुत ज्यादा ग्लो आया है मेरी स्किन पे, ब्राइट हुई है मेरी स्किन और जो पिंपल्स के दाग वगैरह थे वो काफी हद तक छुप गए हैं। तो मैं आप सब फ्रेंड्स को रिकमेंड करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं या जिनको अच्छा रिजल्ट मिला है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था किसी वीडियो पे,
इस प्रोडक्ट के हवाले से, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के हवाले से मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि इसको लगाने के बाद मेरा फेस बहुत ही पिंकिश सा हो रहा है, मेरा स्किन टोन थोड़ा सा पिंकिश होने लगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो ऐसा कुछ भी फेस पे नहीं हुआ, मेरा स्किन टोन बल्कि ब्राइट ही हुआ है, पिंकिश में नहीं किया, जरा ब्राइटनिंग लुक आई है फेस पे, जरा कलर मेरा बहुत अच्छा सा हो गया है, पिंकिश नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी हर बंदे के फेस पे डिफरेंट इफेक्ट देता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैंने आप लोगों से अपना रिव्यू शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिव्यू, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, एक नई रिव्यू के साथ हाजिर होंगी, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।